आज देश की नजर राजस्थान पर है, जहां कौन बनेगा मुख्यमंत्री इससे पर्दा उठने वाला है। दरअसल बीजेपी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी सीएम के फैसले में चौंका सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश में ओबीसी और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाने के बाद राजस्थान में सामान्य वर्ग से किसी विधायक को सीएम बनाया जा सकता है। एमपी में शिवराज सिंह को मौका न देने के बाद वसुंधरा राजे को अब राजस्थान में सीएम बनाने की संभावनाएं काफी कम हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि राजस्थान में सीएम का चेहरा न सिर्फ नया होगा बल्कि विधायकों में से ही चुना जा सकता है। सामान्य वर्ग के साथ महिला विधायक को भी मौका मिल सकता है या फिर एससी वर्ग से भी किसी विधायक को मौका दिया जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से बीजेपी ने सभी को साधने की कोशिश की है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। यहाँ पर ऐलान हो चुका है विष्णुदेव साहे, इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है जो कि आदिवासी वर्ग से आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मोहन यादव की, मध्य प्रदेश में ये ओबीसी का चेहरा और दो डिप्टी सीएम यहाँ पर मध्य प्रदेश में बनाए गए हैं। अब देखिए राजस्थान में बीजेपी चौंका सकती है नए चेहरे के माध्यम से, ये कहा जा रहा है, लेकिन किस तरीके से सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई है ये हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, विष्णुदेव साय, मोहन यादव, ये हम आपको तमाम चीजें बता रहे हैं किस तरीके से बीजेपी ने दोनों ही राज्यों में चौंकाया है। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, ओबीसी वर्ग से डिप्टी सीएम को बनाया गया है, ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाया गया है और स्पीकर कौन है, राजपूत है। ये समझने वाली बात है, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। मध्य प्रदेश की बात कर ले, मुख्यमंत्री ओबीसी से, दो डिप्टी सीएम यहाँ पर भी बनाए गए हैं ये एससी वर्ग से और डिप्टी सीएम ब्राह्मण है, स्पीकर कौन है, राजपूत है। तो ये स्ट्रैटेजी साधने की कोशिश की गई है। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ भवानी लाइव मौजूद है वसुंधरा राजे के घर से। भवानी, हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर ली, क्या बीजेपी राजस्थान में भी सभी को चौंका सकती है? देखिए लग यही रहा, जिस तरीके से पीएम मोदी फैसले लेते हैं और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, सारे अनुमान सारे आकलन गलत साबित हो गए और जिन चेहरों की बात बार बार की जाती उसके बजाय चौंकाने वाला चेहरा आया। लेकिन एक बात जो मोटे तौर पर समझ में आई कि तीन चीज़ें देखी जा रही है जो अभी तक लगा कि एक जातीय समीकरणों को देखा जा रहा है और लोकसभा चुनाव 2024 को ज़रूर देखा जा रहा है कि सभी जातियों को कैसे साधा जाए। आदिवासियों को साधना छत्तीसगढ़ के अंदर, ओबीसी को साधना मध्य प्रदेश में, लेकिन बाकी जातियों के भी डिप्टी सीएम बना दिए। तो राजस्थान को लेकर एक अनुमान मोटे तौर पर लगाया जा रहा है, फैसला क्या होगा कहना काफ़ी मुश्किल है कि सामान्य वर्ग को यहाँ शायद मौका सीएम के लिए दिया जा सकता है सामान्य, और एससी वर्ग, क्योंकि एससी की भी संभावनाएँ इसलिए बनती है क्योंकि एससी का सीएम नॉर्थ इंडिया में कहीं नहीं है, तो हो सकता हो कि राजस्थान से ही ये प्रयोग कर लिया जाए। तो ये नज़र सबकी रहेगी कि क्या एससी को मौका मिलेगा, सामान्य को मिलेगा और उसमें भी क्या पुरुष होगा या महिला, महिला की जो चांसेस है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये सामने आ रहा है कि बड़े नेताओं के लिए जो राजस्थान में जो बिग गन्स को माना जाता है।